एक सप्ताह पूर्व की तुलना में बीते सप्ताह एशियाई कारोबार में भारतीय चावल के निर्यात कीमत में और कमी आई है। कारोबारियों और विश्लेषकों ने यह जानकारी देते हुए आगे बताया है कि लूनार नववर्ष के अवकाश के कारण अन्य एशियाई देशों के चावल में कामकाजी गतिविधियां सुस्त बनी हुई हैं। उन्होंने आगे बताया कि आलोच्य सप्ताह के दौरान विश्व के सबसे बड़े निर्यातक भारत के 5% टुकड़ों पायर बॉयल्ड चावल की कीमत 382 से लेकर $376 प्रति टन पर बोली गई है। एक सप्ताह पूर्व इसकी कीमत 382 से लेकर $379 पर बोली जा रही थी। एक विश्लेषक ने कहा है कि म्यांमार और पाकिस्तान की तुलनात्मक रूप से आकर्षक कीमत पर चावल की पेशकश कर रहा है। कुछ खरीदारों ने तो इन देशों का रुख भी कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि मालगाड़ियों की उपलब्धता अभी भी सामान्य से कमजोर बनी हुई है और यही वजह है कि पिछले महीने किए गए सौदों की शिपमेंट में देरी हो रही है। थाईलैंड का 5% टुकड़ा चावल थोड़ा सुधर कर 408 से $4,217 प्रति टन हो गया है। बीते सप्ताह इसकी कीमत 408 से $415 बोली जा रही थी। बैंकॉक स्थित एक कारोबारी ने कहा है कि लूनार नववर्ष के अवकाश के कारण बाजार सुस्त बना हुआ है और अधिकतर कार्यालयों में काम शुरू नहीं हुआ है। एक अन्य कारोबारी ने कहा है कि नववर्ष से पूर्व किए गए कुछ ऑर्डर की पूर्ति पिछले सप्ताह हो चुकी है और फिलीपींस, सिंगापुर तथा मलेशिया जैसे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ कुछ नए सौदे भी किए गए हैं। इस वर्ष थाईलैंड की 70 लाख टन चावल के निर्यात की योजना है, जो कि वर्ष 2021 की तुलना में 14.60% ऊंचा है। लूनार नववर्ष के कारण समीक्षा गत सप्ताह के दौरान वियतनाम में बाजार बंद रहे। अच्छी फसल तथा ऊंचे स्टॉक के बाद भी समीक्षागत सप्ताह के दौरान बांग्लादेश के घरेलू बाजार में चावल में तेजी आई है। इसकी वजह से इसके आम उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। कृषि मंत्री अब्दुल रज्जाक ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चावल की कीमत तेज हुई है। गेहूं की तुलनात्मक रूप से ऊंची कीमत से बचने के लिए लोग चावल की तुलनात्मक रूप से अधिक खपत कर रहे हैं। इसकी वजह से चावल की कीमत प्रभावित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।